हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वर्ल्ड 24/7। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स की मॉड्यूल ए के यूनिट 3 की। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर ये 11 चैप्टर आते हैं, तो हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल सी से, क्योंकि इसके अंदर हम सीखेंगे कि बिजनेस के अंदर जर्नल एंट्रीज कैसे करी जाती हैं और उसी के साथ साथ बुक कीपिंग एंड एंट्रीज की पोस्टिंग्स, एंट्री पोस्टिंग, ये सब हम आगे चल के देखेंगे। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, आज हम पहले पार्ट वन देख रहे हैं। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर, कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको क्या जरूरत पड़ी थी कि हम ये सब कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स जो कि हमारे बाकी अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं वो क्यों करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हम एक बिजनेस करते हैं, अब बिजनेस के अंदर बहुत सी ट्रांजेक्शन होती हैं, उसके अलग अलग वैल्यू के अमाउंट की ट्रांजेक्शन होती हैं, तो हम उस बिजनेस का केवल उस बिजनेस किस ओर बढ़ रहा है, क्या उस बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्या उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उस बिजनेस को एक मिरर देखने के लिए कि बिजनेस किस दिशा में है अपना, और बिजनेस का पूरा जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब अगर हम ऐसे ही बिना किसी रिकॉर्ड्स के बिजनेस के अंदर काम करेंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे ना कि हमारा बिजनेस किस वैल्यू पे खड़ा है आज और उस बिजनेस की क्या वैल्यू है। ठीक है, हमको किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, तो वो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे जब भी हम रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। ठीक है, सिंपल रिकॉर्ड मेंटेनिंग। तो आप देखते हैं इंट्रोडक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू आइदर इन द फॉर्म ऑफ मनी और गुड्स और सर्विस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन क्या होती है, या तो वो मनी के एक्सचेंज होता है, या गुड्स के एक्सचेंज होता है, या सर्विस के एक्सचेंज होता है, और वो वैल्यू कैसे करते हैं उसको मनी के अंदर। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस विद व्यू टू एसर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो भी मैंने बताया आपको कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए हमको रिकॉर्ड कीपिंग या बुक कीपिंग करना पड़ता है। ओके, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस कंसर्न इज व्हाट इज नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग। अभी डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है ये थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज ए टू फोल्ड फाइनेंशियल एस्पेक्ट, which means that the effect of two accounts, one account to be debited and the other account is credited with the like amount. This is fundamental principle of double entry bookkeeping. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि double entry system से हम bookkeeping को करते हैं, जिसमें कुछ भी business के अंदर transaction हुई, XYZ कोई भी transaction हो रही है, कि हम माल कुछ purchase कर रहे हैं, sale कर रहे हैं, उधार पे ला रहे हैं और कैश पे पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे उससे। ठीक है, उसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा तो उसी के दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब आगे देखो, अब बोल रहे हैं व्हाट इज जर्नल। अब जर्नल क्या होता है, तो जब हम सब जर्नल एंट्री करते हैं ये डबल एंट्री सिस्टम का ही पार्ट है। डबल एंट्री, यहां से हमारा बेसिक अकाउंटिंग जो है जो शुरू हो रही है। आप ये समझ लो कि अकाउंटिंग का पहला चैप्टर यही है कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, अब जर्नल देखो, आपको मैं बिल्कुल आम भाषा में बता देता हूं। जैसे कोई एक दुकानदार है, ठीक है, ये एक दुकानदार है, अब ये अपना बिजनेस कर रहा है, अब इस बिजनेस पे रोज 50 से 60 कस्टमर आते हैं। ठीक है, 50 से 60 कस्टमर आते हैं, जिसमें से मान लो 10 से 20 लोग माल इसे क्रेडिट पे खरीदते हैं। ठीक है, अब इसे क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, और बाकी मान लो 20 लोग क्रेडिट पे खरीदते हैं, और बाकी बचे या 60 लोग मान लो, और बाकी बचे 40 लोग, 40 लोग जो है वो कैश में खरीदते हैं इससे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इनका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ठीक है, अब ये ऐसा तो नहीं है कि इन सभी 60 लोगों के खाते रोज खोलेगा और एक एक खाते में जाके एंट्री पोस्ट करेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा। तो ये क्या करता रहेगा, जैसे ही कोई आया, जैसे कोई राम आया, जैसे राम नाम का कोई व्यक्ति इसके पास आया उधार पे मान लेगा, तो ये उसी टाइम एक जर्नल बुक अपनी तैयार करेगा, रोज ये जर्नल बुक डेली तैयार कर रहेगा,
और उस पर एंट्री करता रहेगा कि जैसे राम आया वो उससे 50,000 रुपए का सामान लेके गया, ठीक है, शाम आया, ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ, शाम आया 10,000 रुपए कैश जमा करा के गया, ठीक है। तो ऐसे ही लिखता रहेगा सब कि सुरेंद्र आया, सुरेंद्र उसने 10,000 रुपए सामान खरीद लिया, कोई सामान परचेज खरीदा, ठीक है। अब जैसे ही ये सब बिठा देता हूं, अब मानो शाम को जब वो बैठेगा तो ये सब एक सभी एंट्रीज को एक जगह पोस्टिंग, बाद में इसकी पोस्टिंग करेगा, लेकिन वो ऐसे तो है नहीं कि बिजनेस के बीच में ही वो काम करता करता ही पोस्टिंग करने लग जाएगा, नहीं ना, तो वो ऐसे ही सभी तरह से जनरल एंट्रीज को तैयार कर लेगा। अब ये जो कच्चा एक लेखा जोखा करता है वो पर डे, ठीक है, तो वो रोजाना जो कच्चा लेखा जोखा तैयार करता है उसी को हम बोलते हैं जर्नल, उस दुकान का जर्नल खाता, जर्नल, ठीक है, और इसको आम भाषा में रोकड़ भी बोलते हैं, रोकड़, ठीक है। तो यही है जर्नल, जिसमें वो पर डे डेली वॉकिंग कस्टमर जो भी आते हैं वो जो जाते हैं उसका सब लेखा जोखा जो हिसाब किताब रखता है उसको बोलते हैं जर्नल। अब जर्नल तो ठीक है, समझ आ गया, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, तो ये हम आगे अभी देखेंगे। पहले देखो जर्नल की डेफिनेशन, द प्राइमरी रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन इज द जर्नल। प्राइमरी रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब आपको अभी बताया, जो भी कस्टमर सबसे पहले आ रहे हैं तो वो सबसे पहले जहां पे वो उसका लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं दुकानदार, तो उसको बोलते हैं जर्नल। ए जर्नल इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन शोइंग द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द अकाउंट्स एज इफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो वो मतलब यही हुआ कि जब भी वो कोई भी कस्टमर उसके पास आता है तो वो एक अकाउंट अपना डेबिट करता है, एक अकाउंट अपना क्रेडिट करता है, ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से चलता है। अब वो सबसे पहले अपनी जर्नल बुक तैयार करता रहता है, पूरा दिन वो उस पर लिखता है, ठीक है। द जर्नल ऑल्सो कंटेन द नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन एज वेल एज एक्सप्लेन द सेम। अब जर्नल बुक के अंदर क्या है, जैसे जैसे राम उससे सामान लेके गया, राम दुकान से सामान लेके गया कैश के अंदर, ठीक है, तो वो लिख लेगा कि राम ने 50,000 का सामान लिया, तो नरेशन उसके नीचे लिख लेगा बीइंग राम परचेज्ड गुड्स इन कैश, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जब अपनी जर्नल बुक संभालेगा ना, जब भी वो उसको कभी क्वेरी हुई है कुछ देखना होगा तो वो इस नरेशन से पता कर सकता है कि राम ने उसे 50,000 रुपए का कैश में सामान खरीदा था, ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ जर्नल कंटेन्स द कॉलम, अब वो बोल रहे हैं कि जर्नल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं ये आगे आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे ये एक जर्नल का एग्जाम्पल है, जैसे डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, LF होता है, लेजर फोलियो, ठीक है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है, तो ये अभी आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि लेजर जर्नल के अंदर क्या क्या कॉलम होते हैं, LF होता है जिसको लेजर फोलियो बोलते हैं, जर्नल रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजेक्शन होते हैं, हाउएवर इफ एनीवन वांट्स टू फाइंड आउट द ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग ए पर्सनल अकाउंट और एन एक्सपेंसिस अकाउंट ही विल बी टर्न ओवर पेजेस ऑफ जर्नल एड ऑल डेबिट्स एंड क्रेडिट एंड देन फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी द ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन एसेट्स liability, income, expenses are recorded in the particular pages in the ledger. अब ये इतना क्या बोला ये सब भी मैं बताता हूँ आपको। देखो ledger folio ये इसी के बारे में बोल रहा है कि journal के अंदर एक ledger folio लगाया जाता है, जैसे ये ledger folio। अब ये जो ledger folio है ना ये क्या होता है, जैसे किसी person कोई मान लो राम नाम का आदमी है, राम अकाउंट, अब मान लो उसका मैंने मेरे पास जो एक भाई ये एक ये डिजिटल टाइम की बात नहीं कर रहा है, जो पहले अपने काम करते थे अकाउंटेंसी में तो वहां पे क्या होता था, एक मोटा उनके पास एक बुक होती थी, उसी बुक के अंदर वो पेज वाइज हर किसी को एक अकाउंट नंबर का पेज अलॉट करते थे। जैसे राम का खाता मान लो 17 नंबर पेज पे है, श्याम का खाता 18 नंबर पेज पे है, ठीक है, शीतल का खाता 19 नंबर पेज पे है, सौरभ का खाता 20 नंबर पेज पे है। तो ये जो फोलियो नंबर है ना, ये फोलियो नंबर वो बताता है कि राम के सामने लिखेंगे राम का खाता जाना 17 नंबर पेज पे था तो लिख देंगे 17, ठीक है। इससे हमको ये ध्यान रखा है कि भाई राम की एंट्री है ना तो हमने 17 नंबर पेज पे करी थी। अगर इसी के सामने यहाँ डेट होगी मान लो 1 जनवरी 2024 को इसने ट्रांजेक्शन करी तो यहाँ पे पता चलेगा ना कि 17 नंबर पेज पे इसने 1 तारीख को एंट्री मारी, ठीक है। अब कल को राम कुछ क्वेरी लेके आता है तो उसको इस डेट को देख के ही पता चल जाएगा कि 1 तारीख की ट्रांजेक्शन देखनी है उसको, तो वो अपनी 1 तारीख के जर्नल निकाल के
उस क्वेरी को पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये एक टूल है एक तरह से, जैसे काम आ जाता है कि जो लेजर फोलियो का काम करता है, मतलब लेजर फोलियो से हम उसको आसानी से थोड़ा ट्रांजेक्शन को ट्रैक रख सकते हैं, मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए लेजर फोलियो का काम लिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो सब हम समझ लें, जर्नल होता क्या है, जर्नल को कैसे यूज करते हैं, जर्नल के अंदर क्या क्या कॉलम होते हैं और जर्नल क्यों बनाते हैं, इतना यहां तक अभी तक क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज करते कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि 22 जनवरी 2022 को श्याम परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹5,000, ठीक है। अब श्याम ने राम से गुड्स खरीदे थे ₹5,000 में, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो ये जर्नल है, ये सभी कॉलम बनाएंगे अपनी, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि हम ये श्याम के लिए काम कर रहे हैं, श्याम की बुक के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब ये सबसे पहले क्या डालेगा, डेट, फिर डालेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। अब परचेज अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि परचेज जो हमारा होता है ना, वो हमारा क्या है, गुड्स, गुड्स खरीदे, ठीक है। अब गुड्स क्या होता है, हमारा स्टॉक, तो ये हमारी एक तरह क्या होगी, एसेट्स। और ये एक सिंपल सा रूल है कि जब हमारी एसेट्स बढ़ रही है ना तो हमेशा वो डेबिट साइड में आती है, और जब हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही होती है तो हमेशा क्रेडिट साइड में होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम को कर दिया क्रेडिट, ठीक है। तो नीचे नरेशन लिख दी बींग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कि हमने राम से क्रेडिट में गुड्स खरीदा। अगर जब तक ये ना लिखा हो कि कैश में कुछ खरीदा या बेचा, तो हम यही मान के चलते हैं कि हमने क्रेडिट में खरीदा, ओके। तो लेजर फोलियो ये एक एग्जांपल के लिए लिख दिया कि लेजर फोलियो 12 है, तो इसमें इससे ये पता चलेगा कि परचेज अकाउंट का जो पेज नंबर है वो 12 नंबर है और राम का जो पेज नंबर है वो 13 नंबर है, ठीक है। तो 5,000 रुपए परचेज अकाउंट को डेबिट किया और राम को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब ये तो सिर्फ होगी जनरल एंट्रीज, अब इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे, अब परचेज अकाउंट में क्या एंट्री होगी और राम अकाउंट में क्या होगी, वो आगे चल के अभी देखेंगे। लेकिन ये आप ये समझ लो कि ये चीज होती है डबल एंट्री सिस्टम, DUBALE डबल एंट्री सिस्टम, इसको ही बोलते हैं डबल एंट्री। अब हुआ क्या जी, श्याम ने माल खरीदा था 5,000 रुपए का राम से, ठीक है। अब श्याम अपनी बुक्स में क्या कर रहा है, एक एंट्री को डेबिट करेगा तो क्रेडिट कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको डबल एंट्री को मेंटेन करके चलना है। अब आगे देखो, ऑन 18 जनवरी 2022 सौरभ सोल्ड गुड्स टू वरुण ₹5,000। अब 18 जनवरी को क्या हुआ, सौरभ ने कुछ गुड्स बेचे वरुण को 5,000 रुपए में, ठीक है। अब देखो वही डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। वो डेट डालेंगे सबसे पहले, फिर क्या लिखेंगे, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्यों, क्योंकि वरुण ने सौरभ से माल खरीदा है तो वरुण फ्यूचर में चल के क्या दे, सौरभ को पैसा देगा, ठीक है। तो वरुण क्या हो जाएगा, वरुण उसके लिए डेटर हो जाएगा, देनदार हो जाएगा। तो देनदार जब बढ़ रहे हैं तो हमारी एसेट्स बढ़ रही है तो वो डेबिट में जाएगी, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि मतलब अपनी जो एसेट्स बढ़ रही है तो वो डेबिट होगी और लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है। अब टू सेल्स, सेल्स तो ये भी जब मेंशन नहीं है तो मान गए क्रेडिट पे दिया, ठीक है। तो वरुण का अकाउंट 5,000 से डेबिट हो जाएगा और सेल्स का अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और ये किस में कर रहे हैं, सौरभ की बुक्स में हमने काम कर रहे हैं, ओके। इस तरह से आगे आगे एंट्री होती रहेगी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 18 जनवरी 2022 को कैश सेल्स मेड 15,000 रुपए की। अब इसमें सिर्फ 15,000 की सेल्स की, किसको की है वो नहीं पता, लेकिन कैश की दुकान कोई भी आया परचेज करके ले गया 15,000 रुपए का। तो इसकी एंट्री देखो, 18 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट, तो इसमें कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है और सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा इन रिकॉर्ड कीपिंग बेसिस, ठीक है। अब हम उन्होंने क्या सीख लिया कि जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रिकॉर्ड कीपिंग का बेसिस क्या है, मतलब क्या साइकिल ऐसे फॉलो करते हैं कि जिससे हम रिकॉर्ड कीपिंग कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, मतलब जिस बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, हमको वो सभी को रिकॉर्ड करना है, मतलब एक जगह उसको लिखना है, इकट्ठा करना है, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग से क्या मतलब है, देखो जैसे कि जनरल एंट्रीज के अंदर तो हम बहुत सारी एंट्रीज कर देते हैं मिक्स, मतलब उसमें हम कैश की एंट्रीज भी करेंगे, गुड्स की रिलेटेड, इंडिविजुअल खाता, किसी का एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है सब हम जनरल एंट्रीज में एंट्री कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको क्लासिफाइंग करना है उसके एंट्रीज को,
कि मतलब उस जिसका जो भी खाता है हम उसके अंदर पोस्टिंग करेंगे, ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस की एंट्री एक्सपेंसेस खाते में जाएगी, राम के सेल्स की सेल्स में, परचेज की एंट्री परचेज में, तो वो सब हुआ क्लासिफाइंग करना। उसके बाद क्या है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, जब हम फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं, फाइनल अकाउंट जैसे ट्रेल बैलेंस, ठीक है, P&L और बैलेंस शीट, ठीक है, तो ये जब हम बनाते हैं तब हम उसको बोलते हैं समराइजिंग करना। अब समराइजिंग कैसे होती है कि जो भी हम अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करी उस खातों का बैलेंस लास्ट साल के लास्ट के अंदर हम उठा के रखते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, फिर ट्रायल बैलेंस का टोटल को हम उठा के रखते हैं P&L में, ठीक है, ये आगे चल के हम सीखेंगे। ये जो सब मैं बोल रहा हूं ये हमारा मॉड्यूल बी का चैप्टर 13वां है, ठीक है, तो वो समझने से पहले आपको ये चैप्टर करना जरूरी था, इसीलिए मैंने ये चैप्टर पहले चालू किया, ठीक है। तो समराइजिंग क्या है कि हम जब हमारे पूरा बिजनेस का साल के लास्ट के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, तब हमको समराइजिंग किया जाता है मतलब उन अकाउंट का, ठीक है। तब इनकी डेफिनेशन हम थोड़ा देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमको रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, जब हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो हम बिजनेस को एक सही तरीके से देख ही नहीं पाएंगे, उसका मिरर हम जान नहीं पाएंगे कि कहां पे अपना बिजनेस स्टैंड करता है। तो बुक कीपिंग का सबसे पहला रूल है कि हमको रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफाइंग ऑल एंट्रीज इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक्स आर पोस्टेड टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट टू फाइंड आउट एट ए ग्लास दैट टोटल इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन इन अ पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। तो वही बोल रहे कि जर्नल के अंदर जितने भी अपने ट्रांजेक्शन करी है वो उसकी पोस्टिंग एक अप्रोप्रिएट उसके जहां पे होनी चाहिए वहां पे हो जानी चाहिए, समझे। जैसे कि हमें कोई कैश की ट्रांजेक्शन करी तो कैश के अकाउंट के अंदर हमको वो ट्रांजेक्शन दिखानी है, ठीक है। और जैसे राम के खाता को हमने राम को कुछ पैसा दिए तो राम के अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है, तो वो होता है क्लासिफाइंग, ठीक है। और समराइजिंग में अभी पहले ही बता चुका हूं कि ये साल के लास्ट के अंदर हम बनाते हैं जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस जानना होता है और सब, ये हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अब देखो जो हम अब हम सीख रहे हैं कि हम पोस्टिंग कैसे करते हैं, जैसे 12 जनवरी को शाम परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है, तो हम शाम के देखेंगे कि कैसे शाम के बुक्स के अंदर देखेंगे जनरल एंट्रीज क्या होगी, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसके साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसकी पोस्टिंग कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको बता ही चुका हूं कि डेट डालेंगे, फिर परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे टू राम, क्योंकि शाम ने परचेज किया है तो परचेज किया तो उसको डेबिट करेंगे और शाम राम को क्रेडिट करेंगे, राम को पैसा देना है तो उसका खाता क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो 5000 और 5000 यहां तक तो अपनों को समझ आ गया था। अब हमको ये देखना है कि इसकी पोस्टिंग कैसे होती है, तो अब हम परचेज अकाउंट डेबिट को देखेंगे। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, लेजर फोलियो 12, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि परचेज अकाउंट, ये देखो परचेज अकाउंट का जो फोलियो नंबर है वो 12 है, इसको मैं जनरल में ही लिख दूंगा, ठीक है। अब मेरे को ये डाउट नहीं होगा कि मेरे को कितना नंबर पेज खोलना है, मेरे को ये पता कि परचेज अकाउंट 12 नंबर पेज पे है तो मैं 12 नंबर पेज पे जाके सीधे 5000 की एंट्री और वहां पे राम के नाम पे कर दूंगा, ठीक है। इसलिए ये लेजर फोलियो को यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो परचेज अकाउंट डेबिट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी अकाउंट का, जब हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये डेट था वो पता है, पर्टिकुलर क्या चीज है वो पता है, ये जीएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो, ये URNL जर्नल फोलियो, इसका क्या मतलब है, वहां पे हम जर्नल के अंदर डालते थे लेजर फोलियो और लेजर के अंदर डालते हैं जर्नल फोलियो, ठीक है, इसको लेजर भी बोलते हैं। अब जर्नल फोलियो से कैसे कि जर्नल का पेज मैंने आज 1 तारीख को जर्नल लेजर चालू करी 1-1 तारीख को, तो उसका मान लो जर्नल पेज 1 नंबर से चालू हुआ, फिर 2 तारीख को यूज के लिए मैंने 2 और 3 नंबर, ठीक है, तो ऐसे जर्नल फोलियो भी यूज होता है, तो उसको यहां पे लिखेंगे और लेजर फोलियो जर्नल के अंदर लेजर फोलियो लिखेंगे, तो इससे क्या होता है कि उसका ट्रैक रखना थोड़ा इजी रह जाता है, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अभी तो जैसे सब डिजिटल हो गया है तो इस चीज की इतना जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले के टाइम पे ये चीज बहुत काम आती थी, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है, हमने ये ट्रांजेक्शन करी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 5000 रुपए, ठीक है। अब हम पहले क्या कर रहे हैं कि परचेज अकाउंट के अंदर देखो कि क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर हम डेट डालेंगे टू राम लिख देंगे, ठीक है।
5000 रुपए। अब परचेज अकाउंट ये है, ये डेबिट साइड है तो ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब परचेज अकाउंट के अंदर हम राम को डेबिट कर देंगे कि राम राम से हमने राम को हम लोगों ने 5000 रुपए का माल खरीदा, राम से हम लोग को 5000 रुपए का माल खरीदा, क्योंकि परचेज अकाउंट को डेबिट करने, क्योंकि परचेज हमारी क्या होती है एसेट्स, क्योंकि परचेज क्या हमने किया गुड्स, गुड्स हमारा क्या स्टॉक और स्टॉक हमारा क्या है एसेट्स, तो एसेट्स के जितने भी अकाउंट है उनको सबको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो परचेज अकाउंट, अब इसी एंट्री को हम राम के अकाउंट के देखेंगे, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट डेट सेम फॉर्मेट बनाएंगे और राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज, क्योंकि हमने क्या किया था परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू राम किया था 5000 रुपए, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया राम के खाते में लिखा बाय परचेज, क्योंकि जो ऊपर वाला रहता है डेबिट रहता है तो राम के अकाउंट में क्या जाएगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसको कर दिया 5000 रुपए राम के अकाउंट में क्रेडिट, ठीक है। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परचेज गुड्स 7000 की 7000 रुपए में उसने गुड्स खरीदा, तो देखो इसकी जनरल एंट्रीज क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7000 7000, क्यों, क्योंकि क्रेडिट कब, जब हमको नहीं लिखा जाता कि हम कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, तो हम यही मान के चलते कि हमने गुड्स को क्रेडिट में खरीदा, ठीक है, तो कैश में खरीदा सॉरी, ओके। अभी पोस्टिंग कैसे होगी इसकी, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट बनाएंगे और उसमें क्या अपनों ने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज अकाउंट में लिख देंगे हमने टू कैश, क्योंकि कैश हमारा गया 7000 रुपए, ठीक है, यहां पे डेट डाल देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड ऑफ गुड्स टू सौरभ, सौरभ को गुड्स बेचे, अब उन्होंने गुड्स बेचे हैं तो उसकी एंट्री यहीं पे बता देता हूं, सौरभ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। तो इसी तरह हम जनरल एंट्री करते रहेंगे। अब सेल्स अकाउंट के अंदर जाके हम बाय सौरभ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में बाय सौरभ, क्योंकि सौरभ को सेल किया कितने रुपए का 5000 रुपए का, ठीक है। और सौरभ के अकाउंट में जाके क्या करेंगे, सौरभ अकाउंट, क्योंकि डबल एंट्री है तो सौरभ के अकाउंट में पोस्टिंग करनी पड़ेगी और वहां पर लिख देंगे टू सेल, ठीक है। ऐसे करके ये एंट्री भी हम खत्म कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कैश सेल मेड 12000, अब हमने कैश में माल बेचा है, अब कैश से माल बेचा है तो कैश क्या है, कैश आ रही है, कैश हमारे बिजनेस में इनफ्लो हो रही है, तो एसेट्स हमारी बढ़ रही है। तो मैं आपको पहले भी बता दूं, कैश अगर आ रही है तो हम उसको करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है, कितने की 12000 रुपए की, 12000 12000, ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपको मैं बार बार फॉर्मेट में ना डाल के एक आपको सीधा ही शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार उसको बताने का इसी वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब हम पोस्टिंग में क्या डालेंगे कि कैश अकाउंट के अंदर, जैसे कैश अकाउंट हम पोस्ट कर रहे हैं तो इसमें हमने एंट्री क्या करी टू सेल, तो इसके डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू सेल, ठीक है, और सेल अकाउंट में लिख देंगे बाय कैश, ठीक है, 12000 रुपए। तो मिल बात वही है, एक बार आप खुद से भी ट्राई करोगे तो आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और हमारे पास कैश इन हैंड दिए हुए 20000 रुपए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब था, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये कैश इन हैंड है, हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो जो हम कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, मान लो कि ये कैश अकाउंट है हमारे पास, कैश अकाउंट, अब वो बोल रहा है कि आपके पास कैश इन हैंड बैलेंस है टू ओपनिंग बैलेंस, यहां पे उसका बैलेंस लिख देंगे कितना 12000 रुपए था, जितना भी था मतलब एक्स वाई जेड, उसको यहां पे लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, क्योंकि ये डेबिट साइड है तो कैश का बैलेंस, कैश अपने पास है तो डेबिट में ही रहेगी ना, तो इसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डेबिट में रहेगा 12000 रुपए, ठीक है। तो यही है, अभी तक हम ये सब देख चुके हैं, अभी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी
इस बचा हुआ पार्ट, इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट भी हम करेंगे, ठीक है।